ये रात जब भी आएगी तुम हमें बहुत याद आओगे। ये तो सॉन्ग भी नहीं है। अजीब दास्ता है। गाइज वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और आज की सुबह कुछ ऐसी है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी बस जाना है, कहीं मार्केट जाना है। एक्चुअली मैं तुराब नगर लेकर जाने वाली हूँ कशिश को, क्योंकि उसके थोड़े बहुत काम रह गए स्टिल, तो वो भी कंप्लीट करा के मुझे लाने हैं। और ये इसकी पीछे पूरी पैकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान उसने ऑलरेडी पैक कर लिया है, पीछे रखा है सारा सामान उसका। और यहाँ पर बस सुबह की चाय की तैयारी चल रही है और 9 बज चुके हैं, आज थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे आज सारे के सारे काम कंप्लीट कराने हैं। शॉपिंग करनी थी तो वो कर ली हम लोगों ने। शाम हो चुकी है और आज सुबह मैं कशिश के साथ निकल गई थी तुराब नगर गाजियाबाद, छोटा मोटा काम था वहाँ से, तो वो ख़त्म करके लाए सुबह सुबह, इसलिए निकल गए। मैंने कहा शाम नहीं करते वरना लेट हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी 3-4 बजे निकलो तो फिर आते आते ना 6-7 बज जाते हैं, तो दिन जो है पूरा ख़राब सा लगता है। और काम तो इन दिनों काफ़ी सारे चल ही रहे हैं इस बीच में, क्योंकि कशिश की पूरी प्रिपरेशन चल रही है, तो 2 दिन तो मैं उसे मॉल लेकर गई थी और वहाँ से उसकी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कराई, फिर आज मैं उसे तुराब नगर लेके गई। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ गए थे तो चाट पकौड़ी खाया है, चाट पकौड़ी बोले तो वहाँ की मुझे लाला जी की जो टिक्की की चाट है वो बहुत पसंद है, देसी घी की बनाते हैं वो, और उसके साथ चीले हम लोगों ने खाए थे, बड़े मज़ेदार थे। प्रशांत के लिए मैं पैक करा के ले आई थी, अब ओला एक अच्छी सुविधा है कि चलो ओला उबर ये सब से चले जाओ, नहीं तो फिर ऑटो से चले जाओ, तो ये कर लेते हैं हम लोग। जैसे कल या परसों हम लोग मॉल गए थे तो जाते समय तो प्रशांत चले गए थे हमारे साथ, और फिर उन्हें कुछ काम था तो वो वहाँ से निकल गए अपना काम के लिए, और जब हमारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई तो लौटते में हम लोग ऑटो करके आ गए। तो आजकल यही चल रहा है, सब लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट काम में लगे हुए हैं और मैं कशिश के साथ ये सारी चीज़ों में लगी हूँ। प्रशांत थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोटोग्राफ पता नहीं क्या क्या TC ये सारी चीज़ें भी जमा होंगी, उन सब के लिए भी बहुत भागा दौड़ी हो रही है आजकल, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था ना पिछले साल तक, तो सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी जो भी जितनी भी आई थी वो सब कुछ आपकी ऑनलाइन आ गई थी, तो ये सब भी लेने में थोड़ा समय लग रहा था। आज इतने दिन बाद मैं ऐसे टाइम पे बाहर मार्केट में निकली ना, या फिर थकान भी हो सकती है, क्योंकि 3-4 दिन से टाइम से नहीं सो रही हूँ मैं, रात में 1:30-2 बज ही रहा है। कल भी कशिश की पैकिंग कराते कराते कब 1:30 बज गया मालूम ही नहीं पड़ा, सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, 7 बजे तो उठना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सारे काम हैं, और उसके अलावा 7 बजे मफिन को घुमाने के लिए भी कहते हैं लड़का आता है, तो इस चक्कर में भी हो जाता है। शाम को बस खाली ठंडे पानी से आंखें ऐसे छप छप कर लो ना, धो लो तो अच्छा लगता है। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी लेना शुरू कर दिया है, गर्मी अब कुछ ज़्यादा ही लगने लगी है। मार्च में ये हाल है तो पता नहीं अप्रैल मई में क्या होगा, भगवान जाने। आज जब हम धूप में निकले तो हमें याद आया हमारे पास सनस्क्रीन तो है ही नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी ना अमेज़ॉन से ऑर्डर करी प्राइम में, तो उसने बोला शाम तक आ जाएगी, मतलब दिखा देता है ना टाइम कितने बजे तक आएगी कब आएगी, तो शाम तक दिखा दी। तो मैंने ये वाली न्यूट्रेजीना की अल्ट्रा
शेयर वाली करी है, और ये मैंने दो पैकेट कर दिए न्यूट्रीजीना के, एक कशिश अपने साथ ले जाएगी, एक मैं रखूँगी। उससे क्या है कि मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है वो वहाँ पर यूज़ करेगी अपना, ये वाली। इसमें SPF 50 है। इतनी गर्मी और धूप हो रही है ना कि इसको लगाए बिना कहीं भी निकलोगे तो आपकी स्किन जो है झुलस जाएगी। तो हाथ पैरों के का भी ध्यान रखना चाहिए हमें चेहरे के साथ साथ, तो चेहरे पे भी लगा सकते हो और हाथ पैरों पे भी लगा सकते हो। लोग भी यार ध्यान रखा करो, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी वानी पीते रहो, जब भी आपको लगे तुरंत पानी पी लिया। सबसे बड़ी बात तो आप ये करो, या तो किचन में या डाइनिंग टेबल पे अपना ना एक बड़ा सा बोतल भर के रखो और सामने जैसे ही दिखे वैसी पानी पी लो। शाम की चाय जो है तैयार हो गई। आज सुबह खाना ही नहीं खाया, सुबह बना था कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल ऐसे के ऐसे ही रखे रह गए, और जब भूख का टाइम हो रहा था तब तो हम मार्केट में थे। आज ना मैं कशिश की डिमांड पूरी करने वाली हूँ, वो मुझे बोल रही थी मम्मी मेरे जाने से पहले आपको मुझे दाल ढोकली खिलानी है, तो आज मैं उसकी फरमाइश पे बनाने वाली हूँ उसकी फेवरेट दाल ढोकली। उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है दाल ढोकली। वैसे दाल बनाओगे वो इतना मन से नहीं खाती, चावल के साथ तो खा लेती है, लेकिन दाल ढोकली तो वो दो तीन कटोरी भी दे दोगे ना आप वो खा जाएगी। तो बस मैं सबसे पहले सोच रही हूँ दाल को ही भिगो देती हूँ, आधा घंटा या पौन घंटा अरहर की दाल को लीजिए, एक कप दाल को, और भिगो दीजिए। उसके बाद फिर तैयारी बहुत आराम से हो जाती है। कशिश आज तो तुम्हारी मर्जी का खाना बन रहा है। अच्छा? हाँ, तुम्हारी मर्जी का, और डैडी को बिल्कुल नहीं पसंद। और पता है मेरे घर में दो लोग अपोजिट चलते हैं, जब दाल ढोकली बनती है प्रशांत बिल्कुल नहीं खाना चाहते, और कशिश पता उन्हें चिड़ा चिड़ा के कहती है डैडी आज तो दाल ढोकली बनने वाली है, मजा आएगा आपको खाने में। उसे पता है उसके डैडी को नहीं है पसंद, तो मजे लेती है उनसे। लेकिन खा लेंगे, सारे टाइम हम उनकी चॉइस का खाते हैं, तो एक दिन वो भी हमारी चॉइस का खा सकते हैं। और वैसे अगर नहीं खाएंगे तो कढ़ी बनी हुई है तो कढ़ी भी खा लेंगे। कशिश को जब मैं छोड़कर आऊंगी उसके बाद मुझे किचन भी ऑर्गेनाइज करनी है, मतलब अभी जो सामान है वो बस ऐसे ही रख दिया था। आपको मालूम है जैसी शिफ्ट हुई हूँ उसके तुरंत बाद होली आ गई, काफी सारे लोग मिलने आने लगे क्योंकि कशिश की जाने का होने लगा, और कशिश का जब जाने का सुन के सभी लोगों को मिलने का मन कर गया। तो बस इसी चक्कर में मैं इतना बिजी हो गई ना इन दिनों कि मैं अपना किचन जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी, पहले होली के कहते मजे ले लिए जाए, और जो भी होली में सब लोग मिल रहे हैं उनसे बैठ के बातें करते हैं, मिलते हैं, और ये क्या, ये तो सारी जिंदगी का है, काम तो चलता ही रहेगा। तो अभी मैंने उसको लगा दिया अपना साइड में, और मैं अब उसे आराम आराम से करूँगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मंगाए थे मैंने, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी जिसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है। मैंने पूरी पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइज करनी है अपनी, ढंग से लगानी है। अभी ऐसे ही सब सामान पड़ा हुआ है, मसाले की कैबिनेट लगानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आज के वीडियो पर मैं कमेंट पढ़ रही थी, मैंने मम्मी के साथ एक हॉल वीडियो शेयर किया था, तो लोग लिख रहे थे कि खुद के लिए तो आप कहते हैं अमेजोन और मॉल से शॉपिंग करते हो, और अपनी मम्मी को मीशो के सामान दिलाते हो। तो भाई मैं भी खुद मीशो के सामान यूज़ करती हूँ, वो जो ग्लासेस हैं वो उनमें मैं जूस पीती हूँ डेली, कॉर्नर भी मेरे पास भी वो कहते ट्रायंगल वाला कॉर्नर है जिसे मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, मुझे भी वो काम में आता है। और जहाँ तक मम्मी की बात है तो मैं मम्मी को कहते मॉल के भी गिफ्ट देती हूँ, ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सबको पता है। जैसे मम्मी की 2 साल पहले बर्थडे थी तो मैंने उन्हें मायर की कढ़ाई दी थी, जैसी कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ वैसी ही कढ़ाई मैंने उनके लिए गिफ्ट में दी थी उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं चलता, लेकिन पता नहीं लोग क्यों पॉइंट आउट करने में लगे रहते हैं, शायद उनको इसी चीज़ों में मजे आते हैं लगाई बुझाई करने में। और ये तो मैं वो चीज़ें जो आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं बताती नहीं हूँ मम्मी को, मैं अपने तरफ से ऐसे ही गिफ्ट में दे देती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही तो मम्मी को भी पसंद आएगी। छोटी मोटी चीज़ें उठानी हो ना जैसे कैबिनेट से, तो भाई साहब ये वाला जो पटला है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और आज मैं अपना नया बर्तन यूज़ करूँगी कास्ट आयरन वाला, मैं आज दाल ढोकली कास्ट आयरन में ही बनाने वाली हूँ। जितने भी नए बर्तन थे ना वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए थे अभी फिलहाल के लिए, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं अच्छे से लगाऊंगी, बहुत प्यार से और बहुत तरीके से,
क्योंकि मेरा मन करता है यार अपनी किचन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का। तो ये रहा मेरा नया कास्ट आयरन का बड़ा सा हैवी सा बर्तन, क्योंकि ये वन पॉट रेसिपी है, इसमें ज़्यादा आपको बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुकर तो दाल कुकर में मुझे दाल बॉईल करनी है, उसे जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज आप इसमें भी बॉईल कर सकते हो, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जल्दी की वजह से कुकर में एक दो विसल लगा के पहले दाल बॉईल कर लूँगी और फिर सारी की सारी जो रेसिपी बनानी है वो इसी में बनाऊँगी। बड़ा बर्तन है तो बहुत अच्छे से कुक हो पाएगा। इसमें ना आटे का डो होता है जिसकी छोटी छोटी सी, हम जैसे नमक पारे काटते हैं वैसे काटनी पड़ेंगी हमें, कतली टाइप, और वो हम इसमें डिप करते हैं दाल ढोकली में, तो बहुत यम्मी लगता है। पहले ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है बहुत बार। और इस वाले कास्ट आयरन के बर्तन में एक खास बात यह है कि जो ये दो हैंडल मिलते हैं ना, ये आपके कास्ट आयरन को गर्म नहीं होने देते, मतलब हैंडल्स को गर्म नहीं होने देते, तो कुकिंग करना इजी हो जाता है। और इसमें ना बीच में ये लगा हुआ है वॉल्क्रो, जिससे ये चिपक जाते हैं, और हैंडल अगर गर्म भी हो जाए तो आप आराम से कुकिंग कर सकते हो। ये वाला जो कास्ट आयरन का पैन आया है ना, कैसरोल बोल लो, पैन बोल लो, जो चाहे बोल लो, ये ना कहते प्री सीजनिंग आया है, तो इसे सीजनिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी बार भी आप इसे यूज़ करो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सीजनिंग करके ही इसे वापस रखो, वरना इसमें रस्ट लग जाएगी। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, जैसे आपने कुकिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद वॉश कर लिया और थोड़ी देर इसको गैस जलाई, उस पर रखा, और ऑलिव ऑयल लीजिए किसी भी नैपकिन के थ्रू या फिर कोई कॉटन का कपड़ा है आपके पास उसके थ्रू पूरे पैन पर उसे स्प्रेड आउट कर लीजिए और थोड़ी देर बाहर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको सेम इसी कंडीशन में मिलेगा जैसे कि हमने अभी रिसीव किया है। I hope it means that you come home to me once you travel the world, all the spaces inside your heart. दाल ढोकली बनाने के लिए दाल को मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था। अब बस क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना डालना है और एक मुट्ठी के करीब मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। ये रॉ मूंगफली है, कोई भी मैंने इसे फ्राई वगैरह नहीं किया है, बस थोड़ा पानी डालकर दाल को बॉयल करने के लिए छोड़ रही हूँ। दो से तीन विसल मैं इसमें लगाने वाली हूँ। नमक मैंने नहीं डाला है, ना ही कोई मसाले डाले हैं, सिर्फ पानी डाला है। और इसके बाद मैंने इसे कुकर को चढ़ा दिया था गैस पर, और बाकी की प्रिपरेशन मुझे करनी थी तो मैंने सोचा उसके साथ वो भी कर लेते हैं कम्प्लीट। यहाँ पर मैंने आटा लगाना था, और ये जो डो हम बना रहे हैं इससे हम कतलियाँ बनाएंगे, और वो डायमंड शेप में या किसी भी शेप में आप तैयार कर सकते हो। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर लिया था, फ्रेश अदरक का टेस्ट अलग ही आता है। यहाँ पर एक कप के करीब मैंने लिया है नॉर्मल आटा, जो जिसकी आप रोटियाँ बनाते हो, और मैंने दो बड़े चम्मच इसमें भर के ले लिया है बेसन। बस अब इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है कुछ मसालों के साथ। मैंने सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ी लाल मिर्च ऐड करी है, इसके साथ हल्दी ऐड करी है क्योंकि इस डो का जो थोड़ा सा कलर होता है वो येलो कलर का अच्छा लगता है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड करे हैं, इससे ना बड़ा अच्छा और चटपटा सा आपका स्पाइसी डो तैयार होता है। थोड़ी मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है, और उसके बाद इसको गर्म पानी से इस डो को लगा लेना है। हल्का गुनगुना पानी से अगर आप लगाओगे तो डो बहुत अच्छा लगकर तैयार होगा। सारे मसाले आटे के साथ मिक्स कर लिए और डो को मैंने तैयार कर लिया इस तरीके से लगाकर। बस पानी का इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एक साथ पानी नहीं ऐड करिएगा, धीरे धीरे करके ऐड करिएगा। और इसका जो हमें डो लगाना है बिल्कुल ऐसा लगाना है जैसा कि आपका चपाती का डो होता है, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा इसमें ऑयल हम मैं ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून के करीब, और उसके साथ इसे मिक्स कर। जब डो लगकर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से, और लपेट कर इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। रेसिपी की शुरुआत में ही मैंने इमली भिगोई थी और एक साइड मैंने गुड़ भिगोया था, तो इमली का पल्प मैं इस टाइप से निकाल ले रही हूँ, और इसको भी हम यूज़ करेंगे दाल में। यहाँ पर हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरीके से दाल बॉयल हो जानी चाहिए, और इस तरीके से जो आपने इसमें पीनट्स डाली हैं वो भी कच्ची नहीं लगेंगी आपको। और मैंने फिर से गैस ऑन कर दी और यहाँ पर रख दिया अपना कास्ट आयरन का पैन, और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे दाल में। और दाल का जो तड़का है वो देसी घी में ही अच्छा लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप देसी घी ही यूज़ करें। उसके लिए दो से तीन चम्मच देसी घी ले लीजिए।
यहाँ पर मैंने दोनों हैंडल कवर लगा लिए हैं, इससे ना हाथ वाथ नहीं जलेगा क्योंकि पैन छू ही लेते हैं हम लोग जब कुकिंग करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है। जब भी आप कास्ट आयरन यूज़ करें, कोई कपड़ा अपने पास रखें या फिर अगर ऐसे हैंडल कवर हो तो उन्हें लगा कर कुकिंग करें, वरना जलने का थोड़ा सा डर लगा रहेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसे यूज़ करने के बाद सीजनिंग कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं इसे वॉश करूंगी तो सीजनिंग तो करके रखूंगी तभी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है, इसमें दो खड़ी लाल मिर्च ऐड करी थी, इसमें अजवाइन ऐड करी है मैंने, और इसमें राई ऐड करी है, इसी के साथ मैंने इसमें दो लौंग और दो काली मिर्च भी ऐड करी थी, थोड़ी सी हींग ऐड करी है इसके अंदर, और इसको भून लिया। और उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये मार्केट का पेस्ट है, आप चाहो तो घर का बना हुआ ऐड करो, उससे और भी अच्छा फ्लेवर ऐड होगा जितनी फ्रेश चीज़ें आप ऐड करोगे। इसको हल्का सा भुनने के बाद मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ बारीक चॉप करा हुआ, इसे भी भून लेना है। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी के करीब फ्रोजन मटर भी इसमें ऐड कर दी हैं, और अब आपको ना क्या करना है, इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ी देर इसे ढककर छोड़ना है जिससे कि जो मटर है वो अच्छे से गल जाए, अगर कच्ची रह जाएंगी तो मुंह में वो कच्चापन का टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी दाल ढोकली आपको अच्छी नहीं लगने वाली, इसलिए आपको मटर को बहुत अच्छे से इसी मसाले के साथ अच्छे से मतलब भून लेना है और पका लेना है। इसके बाद पकी हुई दाल मैंने इसके साथ ऐड कर दी है और मसाले के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी इसमें कुछ और मसाले पड़ेंगे, डेली लाइफ में जब हम दाल तैयार करते हैं तो जनरली उसमें इतने मसाले नहीं यूज़ करते, लेकिन दाल ढोकली में जब आप मसाले ऐड करेंगे, इसके साथ इमली का पल्प ऐड करेंगे, गुड़ ऐड करेंगे, तो इसका स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। यहाँ पर मैंने मसालों में 2 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च ले लिए, गरम मसाला डाला है, इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी है, नमक आप चेक कर लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप डाल सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ढककर सारे मसालों के साथ दाल को फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे खोला तो दाल मुझे लगा कि अच्छे से पक चुकी है, मैंने उसको थोड़ा सा चला लिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ का रस जो मैंने बनाकर तैयार किया था, इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। खट्टा मीठा स्वाद जब आपकी इस दाल ढोकली में ऐड होगा तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो अभी तो ये थिक है थोड़ी सी, हम इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, बस इतना पानी काफ़ी है आई थिंक, क्योंकि हमें इसे बहुत देर तक बॉयल करना है। कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है इसमें बहुत अच्छी वाली, कड़ी पत्ता आप भी ज़रूर ऐड करना। और अभी ना ये डो जो है काफ़ी देर हो गई इसे लगे हुए, ये भी सॉफ्ट हो गया होगा, तो इसकी हमें कतली बना के तैयार करनी है, पतली पतली सी, ऐसे लोई लेनी है जैसे कि आप रोटी की लोई लेते हो, पतला सा उसको बेल लेना है और उसकी फिर डायमंड शेप में आपको काटनी है कतलियाँ। और मैं काट लूँ मम्मी? तुझे काटना है? चल कोई बात नहीं, मैं अभी निकालती हूँ चकला और बेल। बड़ा मज़ा आता है डायमंड काटने में, और मुझे तो ये डायमंड वाली रोटियाँ बड़ी टेस्टी लगती है। कशिश तेरी कहने पे ही तो मैंने बनाया, तेरी मर्जी से। हाँ मैंने और कुछ तो नहीं कहा था, बाकी तो मैंने बना ही दिया। पाव भाजी बोला था वो मैंने बना के इसे खिला दी थी एक दिन। दाल मखनी भी खा चुके हैं। हाँ सोया चाप भी खा ली, अब ये दाल ढोकली बची थी तो मैंने कहा नहीं जाने से पहले एक बार ये भी बना ही देती हूँ। तो ये देखो इसको ना परथन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑयल है ना ऑलरेडी। मखनी को खाना दे दिया बेटा? हाँ। अच्छा गोल होना जरूरी नहीं है क्योंकि डायमंड्स कटने हैं, गोल होने की जरूरत है, पतली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मोटी होती है तो कच्ची कच्ची लगती है, जितना पतला बना सकती हो उतना होना। नहीं बस ठीक है इतना। जैसे जैसे दाल उबलती जाए वैसे वैसे साइड बाय साइड आप ये छोटी छोटी डायमंड शेप वाली कतली डालते जाइए। दिखाओ अपनी डायमंड शेप वाली कतलियाँ। कुछ डायमंड है कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, ये देखो मैंने बहुत पतली बनाई है, ऐसी पतली ही बननी चाहिए। आप किसी भी शेप काट सकते हो, वो मैटर नहीं करता। ये रात जब भी आएगी
तुम हमें बहुत याद आओगे। ये तो सॉन्ग भी नहीं है। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मैं अब करूंगी थोड़ा सा म्यूजिक ऑन, क्योंकि म्यूजिक के साथ कुकिंग का अच्छा ही मजा आता है, तो बड़ा ही मन लगता है कुकिंग करने में, और कुकिंग का ना एक पैशन बढ़ जाता है करने का, भले ही गर्मी हो लेकिन जब आप अपनी फेवरेट रेसिपीज बनाते हो ना और मन से बनाते हो तो टेस्टी बन ही जाती है। ये लो, आपके लिए थोड़ा सा ही दिया है मैंने। ओके। आपको कम पसंद है ना टेस्ट? नहीं, मुझे ठीक लगता है। ठीक है, इसे तो कहीं भी बैठ के खा लो, क्योंकि ये सूखी तरह से है। मफिन तुम्हारा खाना तो हो गया, अब तुम दाल ढोकली थोड़ी खाओगे। डिलीशियस है, मजा आया तुम्हें आज? बहुत मजा आया, बड़ा टेस्टी बनाया मम्मी। प्रशांत तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा बना, अच्छा लगा गाने सुनते हुए खाना। आज टेस्टी लगा तुम्हें? यार ऐसे मत मजाक कर रहे हो, अभी भी कह रहे थे मैं अपने लिए एग करी ऑर्डर कर रहा हूं। मजाक कर रहा था, मजाक कर, बहुत अच्छा होना। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव और एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के लिए। 300K हमारे क्रॉस हो गए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग है ये। इसके अलावा जो कशिश को इतनी प्यारी प्यारी विशेज आई हैं ना, आपकी ब्लेसिंग आई हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइज। मैं मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अपनापन लगता है ना उन कमेंट्स को पढ़कर, कि मुझे लगता है मेरी इतनी छोटी सी फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है जो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मेरी बेटी को देती है। अपनी बेटी मानते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार देते हो आप लोग। लव यू, गुड नाइट।